नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया आईटी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेथ मशीन के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था लेथ मशीन का, उसमें हम पढ़े थे लेथ मशीन की बेसिक जानकारी। अब लेथ मशीन आपको तो पता ही है कि लेथ मशीन को सभी मशीनों की मां कहा जाता है वगैरह वगैरह, और इसमें हम बहुत सारे कार्यक्रियाएं की जाती है, इसलिए इंडस्ट्री में इसका महत्व बढ़ जाता है। तो जो आपके सामने जो लेथ मशीन देख रहे हैं वो एक सेंटर लेथ मशीन है, और इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको पहले एक बता चुका हूँ, तो भी एक बार मैं मोटे मोटे तौर पर आपको इसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है, ये होता है इसका रिवर्सिबल स्विच, ये होती है गियर्स जिसकी सहायता से अपन स्पिंडल की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला जो भाग होता है वो तो स्पिंडल के ऊपर जो फिट है चेक है, लेकिन इसके अंदर का जो भाग है वो स्पिंडल है। ये जो भाग होता है दोस्तों, ये होता है लेथ मशीन का वेट, जो यहाँ से यहाँ तक होता है। जो लेथ मशीन के ऊपर जो मूवमेंट करता है उसे कहते हैं हम कैरेज। ये जो होता है इसे लूज हेड स्टॉक या टेल स्टॉक भी कहा जाता है। जो नीचे का भाग है दोस्तों, ये वाला जो आपको दिख रहा है जो थ्रेड कटिंग है, ये है हमारी लीड स्क्रू, और ये फीड स्टॉक का भी कार्य करता है। जो पुराने लेथ मशीन थी उसमें एक लीड स्क्रू अलग से आता था और फीड स्टॉक अलग से आती थी। अब दोनों का कार्य अलग अलग है, आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि लीड स्क्रू का क्या यूज होता है और फीड स्टॉक का क्या यूज होता है। ये दोनों का जोड़ है, जो कॉम्बिनेशन बनाया। ये नीचे वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं ट्रे। तो ट्रे का भी मैंने आपको बता दिया कि जब हम कटिंग किया करते हैं चिप्स गिरता है और पानी तो उसमें चल जाता है और वहाँ से नीचे जाता है। और नीचे वाला जो भाग होता है वो लेथ मशीन का कहते हैं हम लेथ, जिसके ऊपर लेथ मशीन हमारी खड़ी होती है। तो बात करते हैं दोस्तों कि लेथ मशीन का जो मेन भाग होता है वो होता है दोस्तों इसका हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक इसका मेन भाग क्यों होता है तो मैं आपको बता दूँ कि लेथ मशीन का मेन भाग हेड स्टॉक ही होता है, क्योंकि दोस्तों जो लेथ मशीन जो ऑपरेट होती है या मतलब लेथ मशीन को पूरी जो पावर होती है वो मिलती है हमें हेड स्टॉक से। हेड स्टॉक के पीछे आपको वीडियो में मैं तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके बैक साइड में एक मोटर लगी होती है, वो मोटर की सहायता से क्या होती है इसकी स्पीड आती है हमारे हेड स्टॉक में, और उसके द्वारा हमारे स्पिंडल क्या करते हैं मूवमेंट करता है, जिससे हम लीवर क्लच की सहायता से अपन उसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए लेथ मशीन का जो जान बोलते हैं या फिर मेन हिस्सा कहते हैं उसे हम कहते हैं हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेथ मशीन के। तो जो है हेड स्टॉक आपको दिख रहा है लेथ मशीन का, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों पूल पुल हेड स्टॉक और दूसरा होता है गियर मैग्नेट हेड स्टॉक। अब पूल पुल हेड स्टॉक और गियर मैग्नेट हेड स्टॉक में क्या डिफरेंट होगा तो दोस्तों जो पूल पुल हेड स्टॉक होता है वो क्या है, जो पुराने जमाने की मशीनें होती थी स्टार्टिंग में तब मैक्सिमम जगह पे पूल पुल हेड स्टॉक यूज किया जाता था। तो कोन पुली क्या होती है तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोन पुली क्या होती है, किसी सिलेंड्रिकल रॉड पर कुछ निश्चित दूरी पे क्या होता है एक पुली बनी होती है। पुली आपने देखो कि एक पुली होती है उसके ऊपर क्या होती है एक निश्चित दूरी पर व्यास उसके कम ज्यादा होता है, तो हमारे बनती है कोन पुली। तो कोन पुली से क्या होता था हमारा एक बेल्ट अटैच होता था, एक जो ऊपर रहता था ऐसा सीधे साइड पे और एक पीछे साइड पे, तो हम उसमें क्या कर सकते थे उस कोन पुली की सहायता से हम अलग अलग तीन या चार स्पीड प्राप्त कर सकते थे। बट उससे क्या होता था कि हम एकदम से भी कोई कट ले रहे हैं या फिर एकदम से हमें स्पीड चाहिए तो हमें कोन पुली हेड स्टॉक से प्राप्त नहीं हो पाती थी, उसमें बहुत ज्यादा स्लिपेज और क्रिपेज होती थी। स्लिपेज इन द सेंस बेल्ट बार बार गिर जाता था और मशीन की स्पीड को बार बार चेंज, यदि हमें स्पीड को कम ज्यादा करना है तो लेथ मशीन को स्टॉप करके बेल्ट को हटाना पड़ता था पूल पुली हेड स्टॉक में। बट अभी जो दोस्तों आपको इस लेथ मशीन में जो दिख रहा है तो आपको ये हमारा जो है गियर मैग्नेट हेड स्टॉक है। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या बेनिफिट होगा तो दोस्तों जो गियर मैग्नेट हेड स्टॉक है तो इसमें क्या है, वैसे जो हेड स्टॉक बना होता है दोस्तों चाहे पूल पुली हेड स्टॉक हो या गियर मैग्नेट स्टॉक हो वो बना होता है क्लोज वेट कास्ट आयरन का होता है, अंदर से कास्ट आयरन का जो बनाया जाता है इसका हेड स्टॉक। तो जो हम बात कर रहे थे अभी गियर मैग्नेट हेड स्टॉक के क्या लाभ होते हैं कोन पुली हेड स्टॉक की अपेक्षा, तो गियर मैग्नेट जो हेड स्टॉक होता है इसकी सहायता से हम इंस्टेंटली स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोन पुली हेड स्टॉक होता है उसमें क्या होता है कि उसमें हम इंस्टेंटली स्पीड प्राप्त नहीं कर पाते, हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए मशीन को पहले स्टॉप करना पड़ता है, देन कोन पुली से हमें बेल्ट को उठा के आगे पीछे करना पड़ता है तब हम स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। बट
जो हमारा गियर मैकेनिक हेड स्टॉक है इसकी सहायता से हम इंस्टेंटली स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, इंस्टेंटली स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक फायदा यह है कोन कूले हेड स्टॉक की अपेक्षा कि हम कोन कूले हेड स्टॉक की अपेक्षा गियर मैकेनिक हेड स्टॉक में इंस्टेंटली मोटा कट भी ले सकते हैं। जबकि कोन कूले हेड स्टॉक में भी हम मोटा कट लेते हैं तो क्या होती है, मशीन रुक जाती है, बेंड कर जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आजकल ये आधुनिक लेथ मशीनों में कोनकूले हेड स्टॉक नहीं आ रहा है मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम या बोला जाए तो पूरी जगह पे जो मशीनें आ रही हैं अभी गियर मैग्नेट मैग्नेट हेड स्टॉक वाली लेथ मशीन हमें मिल रही है। तो ये जो आपको दिख रही है ये हमारे गियर मैग्नेट हेड स्टॉक है, और इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे ये स्पिंडल है ये वाला, और ये जो है लीवर है इसकी सहायता से हम स्पिंडल की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि लेथ मशीन पर कार्य करते समय हमें बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। इसमें हमें जो हमारे जो कपड़े होते हैं एकदम लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि हम दुर्घटना से बचने के लिए हमें बहुत सारी सुरक्षा सावधानों का सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल लेथ मशीन का जब भी यूज करते हैं या फिर जब भी इसके बारे में आपको बताते हैं जब तक आप इसको पूरी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आप इसको बिल्कुल ही ऑपरेट नहीं कीजिएगा। तो इसके लिए आपका एकदम चुस्त ड्रेस होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा हूँ इस टाइप से आपके कपड़े होने चाहिए, और बिल्कुल ही आपके बाल वाल बिल्कुल छोटे होना चाहिए, हाथ में टाई कड़ा वगैरह या फिर कुछ हो तो बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कुछ सेफ्टी के साथ ही लेथ मशीन का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया लेथ मशीन के एक महत्वपूर्ण पार्ट हेड स्टॉक के बारे में, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन का, देयर आर टू टाइप्स हेड स्टॉक, फर्स्ट कोनकूले हेड स्टॉक एंड सेकेंड गियर मैकेनिक हेड स्टॉक। अब कोनकूले हेड स्टॉक में क्या करते थे, मशीन को बार बार स्पीड चेंज करने के लिए बार बार रोकना पड़ता था, इसलिए उसमें एक लेटेस्ट तरीका आया उनका गियर मैकेनिक हेड स्टॉक। गियर मैकेनिक हेड स्टॉक का फायदा क्या है कोनकूले हेड स्टॉक की अपेक्षा, कि हम इसमें कोनकूले हेड स्टॉक लेथ मशीन की अपेक्षा गियर मैकेनिक हेड स्टॉक लेथ मशीन में हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और स्पीड चेंज करने के लिए मशीन को रोकने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और क्या फायदा है इसमें, और ये फायदा है कि हम स्पीड में इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे गियर मैकेनिक हेड स्टॉक के फायदे होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।